जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं अब इस कतार में झोला छाप डॉक्टरों की भी लंबी कतार लगी है। मामला उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के इल्तिफातगंज बाजार का है, जहां पर जिले के मशहूर झोला छाप डॉक्टर बेलाल अहमद कई सालों से अपने निजी हॉस्पिटल हाजी मेमोरियल सेवा संस्थान का संचालन करते हैं। मामला तब खुला जब एक पीड़ित ने इनकी शिकायत करने की ठानी। पहले सुनिए क्या कहना है पीड़ित हयात अहमद का। डॉक्टर बेलाल ने कहा मैंने गया दिखाया तो उसके बाद वो सुई लगा दिया, तो मैंने कहा कि एक्सरे कराइए पेट के सीने का। मैंने एक्सरे कराया और उसके बाद एक्सरे कराने के बाद वो कह रहा कि टीबी है। मैंने टीबी की दवाई चला दिया, हमारा पहले सुई लगा गोसुन हो गया। उसके बाद टीबी की दवाई लिख दी, तो टीबी की दवाई खिलाई दी। उसके बाद हमने खून कुछ सूखे लगा भाबरा के, डॉक्टर साहब से कहा आपके डॉक्टर साहब हमारे नुकसान कर दवाई, तो कहा था ये दवाई खाओ, आज दवाई नहीं खाई तो मर जो बचियो नहीं। क्या हुआ फिर आपके साथ? हमारे साथ हाँ, मैंने पर्चा लिखाया, पर्चा लिखाने के बाद तांडा गया क्या वाले वहाँ एक्सरा साउंड वाले के लग, तो एक्सरा साउंड मैंने कराया, तो एक्सरा साउंड वाले ने मैंने पूछा कि उसमें क्या चीज़ है, तो कहीं गुर्दा सूख गया आपका और लीवर में गड़बड़ी हो गई है, इसी वजह से वो दवाई नुकसान कर रही है। आँख में क्या दिक्कत है? आँख में हमारी आँख की रोशनी चली गई है साहब, हमारा पायल लूज हो गया है। तो देखा आपने कि मरीज ने बताया कि गलत दवाई से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। अब सुनिए क्या कहना है इस मामले में आरोप लगने वाले डॉक्टर बेलाल अहमद का। अगर पर्चा है तो मेरी हैंड राइटिंग अगर है तो मैं मानता हूँ, वैसे मैंने कभी उस मरीज को नहीं देखा, आज तक जिंदे में वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, ठीक है ना। और जो भी अगर है मेरा पर्चा कहता है कि आपका पर्चा है तो मेरा पैट होगा और मेरी राइटिंग होगी, जो भी डॉक्टर लिखता है तो अपने हैंड राइटिंग से लिखता है कि नहीं, अगर नहीं है। तो वहीं जब इस पूरे मामले में पीड़ित ने मामले की शिकायत डीएम से की तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठीकरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर डाल दिया। अब देखना है इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।